नाइजीरियन सहित एक भारतीय साइबर अपराधी चढ़ा पुलिस के हत्थे, विदेश में नौकरी दिलाने के नाम पर कर रहा था ठगी। 1 किलो 600 ग्राम गांजे के साथ अभियुक्त गिरफ्तार, एक ऑटो भी हुई बरामद। मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के सालाना मीट में पुरातन छात्रों का हुआ सम्मान। राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयं सेविकाओं ने रैली निकालकर लोगों को इंसेफ्लाइटिस से बचाव के प्रति किया जागरूक। बढ़ी हुई विद्युत दर के विरोध में आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने बाल मुड़वा कर किया विरोध प्रदर्शन। राहगीरों और यात्रियों को ठंड से राहत दिलाने के लिए महानगर कांग्रेस कमेटी के सदस्यों ने नगर आयुक्त से मुलाकात कर सौंपा ज्ञापन। बरनवाल समाज के अग्रज महाराज अहिबरन की मनाई गई जयंती समारोह। बिना टिकट यात्रियों से रेलवे ने वसूले 82,640 रुपए। मंगलवार को भी न्यायिक कार्य से विरत रहे कलेक्ट्रेट के अधिवक्ता। और जिला बचत अधिकारी ने डाकघर से राष्ट्रीय बचत योजनाओं में धन निवेश करने वाले निवेशकों को चेताया कि अधिकृत रसीद अभिकर्ता से न लेने पर गबन होने की स्थिति में राष्ट्रीय बचत विभाग जिम्मेदार नहीं।